बहुत अच्छी क्वालिटी है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आठ तार हैं ये देखिए, दोस्तों ये दो चरखियाँ हैं, एक सेवन स्टार की है जो कि दो रील के ऊपर है और ये एक पांडा गोल्ड है जो कि नंबर वन के ऊपर लगाया हुआ है और ये चार रील का चरखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ऋषभ जाला जी हैं जो कि गुजरात से हैं, ये उनके लिए जा रही है चार रील की चरखी पांडा गोल्ड नाइन कॉर्ड। ये भी नाइन कॉर्ड है, ये चार रील है और ये भी नाइन कॉर्ड है, ये दो रील है। तो एक ये ऋषभ जाला जी को जा रही जो कि गुजरात से हैं और ये जा रही है हमारे रियाज भाई जो कि चेन्नई से हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वालिटी भी दिखाता हूँ कि इसकी कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी पे लगा के इन्होंने भेजा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ छल्ले वगैरह इनके उतारे हैं और देखिए कितना शानदार क्वालिटी का माझा इन्होंने लगा के भेजा है, बिल्कुल एकदम तार के जैसा है ये दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वालिटी का माझा लगाया है जो कि सेवन स्टार के ऊपर है, टू रील है, टू रील के ऊपर भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चाहे ये पांडा गोल्ड हो या नाइन कॉर्ड हो, क्वालिटी दोनों में ही बहुत ही लाजवाब है। मैंने इसीलिए नॉर्मल की क्वालिटी खोल के आपको दिखाई है, तो नॉर्मल में कुछ ऐसी क्वालिटी देखिए आप, ये देखिए एकदम जैसे लग रहा कि तार फेंक दिया मैंने। देखिए छल्ले जैसे के थे जैसे के तैसे छल्ले हैं, ये देखिए दोस्तों ये क्वालिटी जो आपको दिख रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मांझा लगाया है, नाइन कॉर्ड है दोनों के दोनों। दोस्तों मांझा शार्प भी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी शार्पनेस है मांझे में। चलिए इसकी शार्पनेस का एक छोटा सा ट्रायल मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इस सुतली की स्ट्रेंथ की बात करूं तो दोस्तों इसको सिंगल इसका एक ये तार तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है और काफ़ी ताकत लगेगी इसमें, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें साथ में सामने ही रखी हुई है और मैं इसका एक छोटा सा ट्रायल आपको दिखाऊँगा और चलिए देखते हैं इसकी शार्पनेस कैसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंगल तार है, ये इसको मैंने डबल कर लिया, ये देखिए ये डबल हो गया, दो तार हो गए, अब इसको मैंने चार तार कर लिया और मैं चार पे भी रुकने वाला नहीं हूँ दोस्तों। अभी मैंने चार किए हैं, अब चार के मैंने आठ कर लिए, ये देखिए ये आठ तार हो गए डोर। तो दोस्तों देखिए ये कितना मोटा हो गया है, ये आठ तार हो गए और इसका इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि मेरे हिसाब से इसमें दो आदमी पूरे के पूरे दो बंदे इस पर लटक जाएंगे और ये टूटेगा नहीं, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। चलिए इसका मैं अब आपको ट्रायल दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए सेवन स्टार है, नाइन कॉर्ड है, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। मैं इसमें आपको सेवन स्टार की क्वालिटी दिखा रहा हूँ और पांडे गोल्ड की क्वालिटी तो मैं दिखाऊँगा ही नहीं। देखिएगा आप, ये मैंने पकड़ा और जब आप खींच लगाते हैं दोस्तों, अगर आपकी खींच अच्छी है, ये देखिए खींच लगाया आपने, ये आठ तार हैं, ये देखिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ तार हैं दोस्तों और एक की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन मानिए इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत ताकत लगेगी, हाथ फट सकता है और हाथ कट सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। तो एक तार को भी तोड़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो आपने देखा इसकी शार्पनेस, बहुत अच्छी शार्पनेस है इसमें। तो जैसे कि आपने दोस्तों देखा ये कितनी ज़्यादा इसमें शार्पनेस है, बहुत ही शार्प मांझा है ये, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ भी है इसकी। तो आप समझ सकते हैं कि इस रस्सी का क्या हाल हुआ और स्ट्रेंथ और इसकी शार्पनेस दोनों ही बहुत अच्छी है। अगर आपके हाथ में खींच अच्छी है और पावर आपके हाथ में है तो सामने वाला कुछ भी बांधे हो आप इसको आसानी से काट सकते हैं इस मांझे से, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा मांझा है, बहुत ही अच्छी शार्पनेस है, क्वालिटी बहुत दमदार है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कुरियर हैं जो कि डिस्पैच हो रहे हैं, मैं इनकी डिटेल आपको देना चाहूँगा। तो गुजरात से हमारे ऋषभ जाला जी हैं, इनके इसमें एक 123 है इदरीस अहमद और एक 9 कॉर्ड पांडा है जो कि AKG टेरिस चैम्पियन है।
और इसके अंदर ये भी ऋषभ जाला जी का ही है, दोनों ही कुरियर उनके ही हैं। तो अंदर है बशीर बेग 9 कॉर्ड पांडा गोल्ड। तो ये दो ऋषभ जाला जी के हो गए जो कि गुजरात के लिए है, और एक ये देखिए कोलकाता का है। इसके अंदर है 6 कॉर्ड AKG टेरेस चैम्पियन जो कि 6 कॉर्ड रॉकेट के ऊपर है, और एक ये है, ये दोस्तों है रियाज जी का है जो कि चेन्नई से हैं, और इसके अंदर इनका बशीर बेग 2 रील है। तो 2 रील की देखिए पैकिंग है ये। तो ये कुछ कुरियर हैं जो कि अभी के अभी डिस्पैच हो रहे हैं।